दोस्तों जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवंत सिंह चौहान और जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है साइंस का, वो है गोलीय लेंस से अपवर्तन। दोस्तों यहाँ जो हम पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था जहाँ गोलीय दर्पण थे, तो दोस्तों दर्पण से जो प्रकाश की किरण है वो टकरा के वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसलिए वहां हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ा था। यहाँ जो है दोस्तों लेंस है, लेंस जो होता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से किरण, प्रकाश की किरण जो है आर पार गुजर सकती है, इसलिए गोलीय लेंस से जब हम बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों अपवर्तन की बात करते हैं। यहाँ हम मुख्य मुख्य तौर से दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं, तो उत्तल लेंस दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं देखिए दोस्तों। उभयोत्तल मतलब इसके दोनों सिरे जो दोस्तों उभरे हुए होते हैं, उसके बाद दोस्तों समतलोत्तल मतलब एक हिस्सा तो समतल होता है, एक हिस्सा जो है उभरा हुआ होता है, और अवतल होता है दोस्तों एक सिरा तो इसका अवतल होता है और दूसरा सिरा इसका जो है उत्तल होता है। तो ये दोनों जो तीनों प्रकार है दोस्तों ये उत्तल लेंस के हैं। उसके बाद अवतल लेंस की बात करें तो दोस्तों देखिए अभ्यावतल इसका जो है सिरा, ये दोनों जो है दोस्तों दोनों साइड से जो अंदर धसे हुए होते हैं, और समतलोत्तल मतलब एक हिस्सा तो दोस्तों इसका समतल होता है, एक जो है इसमें अवतल होता है। उसके बाद दोस्तों क्या देखते हैं, तीसरा जो प्रकार होता है उत्तलावतल, मतलब इसका एक सिरा तो जो है दोस्तों उत्तल होता है, दूसरा सिरा जो अवतल होता है। दोस्तों इसको कॉन्वेक्स जो है लेंस कहते हैं, इस वाले को जो है अवतल को कहते हैं दोस्तों कॉनकेव लेंस। कॉनकेव दोस्तों देखिए जो इसका एक सिरा है ये वो अंदर धसा हुआ है, गुफा के जैसे है, इसलिए कॉनकेव जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों इसके तहत हम बात कर लेते हैं कि ये लेंस उत्तल लेंस कैसे बनता है, अवतल लेंस कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ये दो कोई कांच के जो है जो गोले हैं, तो ये दोनों दोस्तों देखिए यहाँ का जो हिस्सा बनेगा ये हिस्सा हमारा उत्तल लेंस का जो है निर्माण करेगा इन दोनों गोलों का। तो इस वाले गोले जो होता है दोस्तों इसके जो केंद्र है C2, इधर वाला गोला उसका केंद्र C2, इसके हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो इसकी R1 और इस वाले गोले की त्रिज्या R2। और वही हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में देखिए दोस्तों एक ही गोला हो गया, एक ही दूसरा गोला हो गया। अब इसको क्या है दोस्तों दूर रखना, तो ये वाला जो हिस्सा इन दोनों गोलों का जो है बीच का, अगर ये हम हिस्सा काट ले ये वाला और ये वाला, तो इससे जो है दोस्तों अवतल जो है लेंस का निर्माण होता है। अब दोस्तों इसमें जो कुछ चीजें दे रखी वो हम पढ़ लेते हैं, इसकी क्या परिभाषा क्या टर्म्स है। फर्स्ट दे रखा दोस्तों वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस ले लो चाहे अवतल लेंस ले लो, ये जिन दो गोलों से बन रखे हैं उनके वक्र पृष्ठ जो होते हैं दोस्तों जिससे ये लेंस बन रखे होते हैं, ये ले लो चाहे ये ले लो, तो उन गोलों के जो केंद्र होते हैं दोस्तों इधर देखिए ये C1 और C2, यहाँ भी हम बात कर ले ये C1 और C2, तो ये कहलाता है दोस्तों वक्रता केंद्र, मतलब जिन गोलों के वक्र पृष्ठ से ये लेंस बन रखे होते हैं उन गोलों के केंद्र को जो है वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C1 और C2 से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों वक्रता त्रिज्या, तो जिन गोलों के वक्र पृष्ठ से जो है ये लेंस बन रखे हैं उनकी त्रिज्या है दोस्तों, यहाँ से ये जो ये R1 होगी ये R2 होगा, C1 गोले जो है उसकी R1 त्रिज्या हो जाएगी और C2 वाले की R2 त्रिज्या हो जाएगी। वैसे इसमें बात कर ले तो वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष होता है दोस्तों देखिए जो यहाँ हम बात कर लेते हैं दोनों जो दो गोलों के जिनके ये लेंस वक्र पृष्ठ का जो हिस्सा है उन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों वो कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है मुख्य अक्ष, यहाँ हम लिख लेते हैं तो ये मुख्य अक्ष, जैसे C1 C2 को मिलाने वाले इसमें मिला लो चाहे इसमें मिला लो, ये जो सीधी रेखा होती है ये हमारी जो है दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद दोस्तों प्रकाशीय केंद्र की हम बात कर ले तो दोस्तों ये प्रकाशीय केंद्र जो होता है वो लेंस का बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, जहां से कोई भी प्रकाश की किरण दोस्तों इसके ऊपर अगर आपतित की जाती है तो वो बिना मुड़े जो है सीधी निकल जाती है, वो हमारा कहलाता है दोस्तों प्रकाशीय केंद्र। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो एक बार मैं बता देता हूँ प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा दोस्तों, इस लेंस में यहाँ होगा और इस लेंस में अवतल लेंस में यहाँ होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रकाशीय किरण अगर आपतित होगी तो ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मुख्य फोकस की, तो दोस्तों मुख्य फोकस क्या होता है कि हम जब लेंस पे कोई प्रकाशीय किरण आपतित करते हैं तो दोस्तों अपवर्तन के पश्चात ये किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो दोस्तों वो जो है हमारा मुख्य जो है फोकस कहलाता है जिसमें मिलती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि मुख्य फोकस उत्तल लेंस की बात करें तो दोस्तों इसमें तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मिलती है और अवतल दर्पण की बात कर ले तो इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि फोकस दूरी, तो दोस्तों प्रकाशीय केंद्र से
प्रकाशित केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी। अब मुख्य फोकस जो होता है दोस्तों इन लेंसों में दो होता है, क्योंकि आप देखिए एक जो वक्र प्रश्न इस वाले गोले का हिस्सा है, एक इस वाले गोले का हिस्सा है, तो यहाँ मुख्य जो फोकस है दोस्तों वो दो होते हैं F1 और F2। उसके बाद हम बात कर लेते दोस्तों फोकस दूरी, तो जो है प्रकाशीय केंद्र से जो है मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। उसके बाद जो आती है दोस्तों फोकस तल से दूरी, तो मुख्य अक्ष के लंबवत, मान लो दोस्तों ये मुख्य अक्ष है तो इसके लंबवत पूरा ये 90 डिग्री पे जो दूरी होती है दोस्तों, जो तल होता है वो फोकस तल की जो दूरी कहलाती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा कि गोलीय जो लेंस है उससे अपवर्तन के नियम। तो यहाँ पे दोस्तों 3-4 कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें या इन चित्रों को केवल आप समझे कि क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लें कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कहाँ पे है हमारा, ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसके दोस्तों समांतर एक ही किरण आ रही है, एक ही किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है दोस्तों, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश के अपवर्तन के बाद ये दोस्तों जो है मुख्य फोकस से निकल जाती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइन आ रही है तो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये दोस्तों हम बात करें उत्तल लेंस की, ये बात करें तो अवतल लेंस की, तो दोस्तों ये मुख्य फोकस जो है यहाँ से ये मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद हम बात कर ले मुख्य फोकस से, तो जो मुख्य फोकस से आ रही है दोस्तों वो अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, हम चाहे अवतल लेंस की उत्तल लेंस की बात करें चाहे अवतल लेंस की बात जो करें। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रकाशित केंद्र, तो प्रकाशित केंद्र ये देखो दोस्तों देखिए ये जो ये प्रकाशित केंद्र है उत्तल लेंस का, ये प्रकाशित केंद्र है अवतल लेंस का, तो प्रकाशित केंद्र पर दोस्तों जो प्रकाश की किरण जो है वो आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे आती है वो बिल्कुल सीधी की सीधी जो है निकल जाती है। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, मुख्य फोकस पे आ रही है तो समांतर पे निकल जाएगी, और प्रकाशीय केंद्र से आ रही है तो बिना मुड़े वो दोस्तों वो सीधी निकल जाती है। ये तीन कंडीशन है अपवर्तन की जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, तो प्रतिबिंब के निर्माण में भी समझने वाली चीजें है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है हमको, सबसे पहले तो ये कि प्रतिबिंब जो दोस्तों बनेगा वो तभी बनेगा जब कोई ना कोई दो किरणें वहां पे मिल रही होगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, दो किरणों के बिना एक किरण जो है प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। अब दोस्तों हम पहले इसमें उत्तल लेंस की बात कर ले, यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है जब हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो आपने देखा था कि उत्तल दर्पण के लिए जो दोस्तों जो बिंब प्रतिबिंब की जो स्थिति थी वो बहुत कम थी, जबकि अवतल जो दर्पण था उसके लिए ज्यादा थी, तो यहाँ दोस्तों उसका उल्टा कर लेना है, जो उत्तल लेंस होगा दोस्तों उसके लिए तो स्थितियां जो है बहुत सारी आएगी और अवतल जो लेंस होगा उसके लिए स्थितियां एक दो ही आएगी। तो हम सबसे पहले दोस्तों हमने ये उत्तल जो लेंस है उसका ये बना लिया। अब दोस्तों इसमें देखिए ये इधर दूरी दोस्तों अनंत होगी, ये जो जिस गोले का दोस्तों ये वाला लेंस हिस्सा है उसका ये केंद्र है, उसके बाद इसको C1 से या 2F1 से दर्शा सकते हैं, ये F1 दोस्तों इधर वाले लेंस का मुख्य फोकस है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये F2 दूसरे वाला जो लेंस है दोस्तों उसका जो है मुख्य अक्ष है सॉरी मुख्य फोकस है, और उसके बाद जिस गोले का ये वक्र प्रश्न जिसका हिस्सा है उसका ये केंद्र हो गया, और उसके बाद दोस्तों इसको 2F2 से भी दर्शा सकते हैं, इधर वापस दूरी जो अनंत में आ गया। अब दोस्तों बिंब को रखने की या वस्तु को रखने की जो स्थितियां हो सकती है वो कहाँ हो सकती है, एक तो अनंत पे हो सकती है, एक इस पे C1 या 2F1 पे हो सकती है, एक F1 पे हो सकती है, और दो तीन स्थितियां इसमें आती है कि अनंत से जो है C1 के बीच में या 2F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में, और F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ये दो तीन जो स्थितियां है वो ध्यान रखना, तो इनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो हमको ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए पहले बिंब हमने अनंत पे रख रखा, जो वस्तु है हमारी अनंत पे पड़ी है, तो सीधा से ध्यान रखना है ये मुख्य फोकस जो है दूसरा F2 पे बनेगा, अगर हमने अनंत पे रख रखी तो दोस्तों प्रतिबिंब का निर्माण है F2 पे होगा। दूसरी स्थिति है दोस्तों 2F1 पे, अगर इधर मुख्य फोकस जो है या वक्रता जो केंद्र है C1 पे रख रखा तो दोस्तों इधर वाले वक्रता केंद्र पे बनेगा, वक्रता केंद्र से ध्यान रखना है, जैसे हमने लेंस में जो दर्पण में भी ध्यान रखा था कि 2F1 पे है तो 2F2 पे बन जाएगी, तो ये FF या CC से आपको ध्यान रखना है कि इस पे बनेगी, और अगर F1 पे पड़ी है तो दोस्तों वो इधर जो है उधर अनंत पे बन जाएगी, मतलब जैसे जैसे हम अनंत से इधर बिंब को खिसका रहे हैं, बिंब को हम इधर खिसका रहे हैं, तो दोस्तों जो प्रतिबिंब है वो उधर खिसकता जाएगा, प्रतिबिंब जो है वो उधर खिसकता जाएगा। अब दोस्तों एक स्थिति इसमें आती है अगर ये क्लियर हो गया हो तो, कि अगर जो बिंब है दोस्तों अनंत और जो है 2F1 या C1 के बीच में हो तो दोस्तों प्रतिबिंब जो है
वो इन दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ रखने की जरूरत है ही नहीं, F2 और 2F2 या C1 के बीच में बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें कि जो है हमारे जो ये केंद्र है अगर यहाँ हो बस, तो जो है 2F1 और F1 के जो मध्य हो दोस्तों, अगर यहाँ के बीच में कोई वस्तु पड़ रखी हो तो प्रतिबिंब जो है 2F2 और जो है अनंत के मध्य बनेगा। यहाँ अगर बिंब रख रखा हो तो प्रतिबिंब में यहाँ बनेगा। इसमें भी रटने वाली कोई चीज है नहीं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज आती है F1 और O के बीच में, F1 मुख्य फोकस और जो हमारा प्रकाशीय केंद्र उसके बीच में अगर वस्तु रख रखी हो तो दोस्तों वो वापस इधर लौट जाएगी, बिंब की ओर ही बनेगा, जो प्रतिबिंब है हमारा यहाँ बनेगा। अब दोस्तों इसमें एक बात आती है कि प्रतिबिंब का जो स्वरूप है, तो स्वरूप सबने दोस्तों इसमें वास्तविक और उल्टा, जो वहां पे अवतल दर्पण का बन रहा था यहाँ उत्तल लेंस का बनता है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, इसमें कोई चीज आपको रटने की जरूरत है नहीं, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और जब भी जो है लेंस के बाईं ओर जब बनता है दोस्तों, तो वो आभासी है, सीधा बनेगा, जो हमने दर्पण में भी देखा था। उसके बाद दोस्तों आकार की हम बात कर ले, तो अगर अनंत पे रख रखा होगा तो बिंदुवत बनेगा, और जो 2F1 या जो वक्रता केंद्र C1 पे रख रखा होगा तो ये बराबर में बनेगा, और F1 पे रख रखा हो तो दोस्तों अत्यधिक आवर्धित, बहुत जो है बड़ा बनेगा। और अगर हम वापस इनके दो बीच में रख लें तो बिंब से जो दोस्तों बड़ा हो जाएगा, जितनी वस्तु रख रखे यहाँ पे जो बनेगा तो उससे ज्यादा बड़ा बनेगा। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अवतल लेंस से सबसे पहले हमको ध्यान रखना है ये आभासीय है, सीधा बनेगा, जो वहां पे उत्तल दर्पण से बन रहा था वो यहाँ अवतल लेंस से बनेगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारी दूरी जो अनंत होगी, ये F1 हो गया दोस्तों मुख्य फोकस, जो इधर वाला जो आएगा उस लेंस का, और ये F2 इसका मुख्य फोकस, जो इधर वाला जो गोला बनेगा। अब दोस्तों इसमें बिंब की जो स्थिति अनंत पे, अगर हमने यहाँ बिंब रख रखा तो प्रतिबिंब जो दोस्तों कहाँ पे बनेगा, F1 पे यहाँ बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो किरण टकराने के बाद दोस्तों लौट के जो है इधर ही आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब जो है बाईं ओर ही बनेगा, दाईं ओर नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों अगर अनंत और O के बीच में, अगर इन पूरी स्थिति में हम दोस्तों कहीं भी बिंब रख लेते हैं तो वो F1 और O के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं बनेगा। तो यहाँ दो स्थिति है, इसको ध्यान रखना कि अनंत पे रख रखा हो तो F1 पे बनेगा, और अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में कहीं भी रख रखा हो तो F1 जो हमारा मुख्य फोकस है और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जो कहीं भी बन जाएगा। इसमें प्रतिबिंब दोस्तों आभासी है, सीधा, यही ध्यान रखना है, और कुछ इसमें बनता ही नहीं। उसके बाद आकार की हम बात कर रहे दोस्तों, अनंत पे रखेंगे तो अत्यधिक छोटा, क्योंकि ये आप डिस्टेंस कवर करके देख लो, अगर दूर खड़े रहकर कोई प्रतिबिंब बना रहे तो वो हमेशा छोटा ही बनेगा। इसमें भी ध्यान रखने वाली चीज है, कोई रखने वाली चीज है नहीं। और जैसे जैसे हम पास में जाएंगे तो वो जो है दोस्तों थोड़ा बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से बीच में रख रखा तो वो बिंब से जो है दोस्तों छोटा ही बनेगा। तो ये प्रतिबिंब के दोस्तों जो मुख्य जो है स्थितियां थी जहाँ पे प्रतिबिंब, बिंब को रखने पर प्रतिबिंब जो है बन सकता है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे ये जो चीजें कैसे कैसे बन सकती है। अब दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेंस सूत्र। तो जैसे दर्पण में लेंस सूत्र था, वैसे के वैसे लेंस में भी जो है लेंस सूत्र जो आएगा दोस्तों, जहाँ दर्पण सूत्र था या लेंस सूत्र आएगा, तो ये होता है 1/F = 1/V - 1/U। ये हमको ध्यान रखना है, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे या सीधे पूछे तो इसमें दोस्तों माइनस का एक अलग कंसेप्ट है। अब दोस्तों यू जो है इसमें बिंब की दूरी है, तो यहाँ दे रखी वी प्रतिबिंब की दूरी है, एफ जो है फोकस दूरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों आवर्धनता। आवर्धनता वही हो गया मैग्नीफाइंग, कितना ये बड़ा कर पाएगा उसको, वस्तु को, तो इसको हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं दोस्तों। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है h/h, इसको दोस्तों v/u से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है लेंस क्षमता। तो लेंस क्षमता क्या होता है दोस्तों, प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, कि ये कितना जो है किरणें इसके ऊपर आपतित हो रही है, वो परावर्तन के पश्चात, सॉरी अपवर्तन के पश्चात जो है दोस्तों कितनी जो है इकट्ठी एक जगह हो जाएगी या कितनी प्रसारित हो जाएगी, कितनी फैल जाएगी। तो लेंस की ये क्षमता जो है दोस्तों कहलाती है कि अपसारित कितना कर सकता है, अभिसारित कितना कर सकता है ये लेंस। अब एक और चीज इसमें देख लेते दोस्तों, फोकस दूरी का जो है व्युत्क्रम जो है लेंस क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। अगर तो हम पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता की हम बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा 1/F, 1/F से हम दर्शाते हैं, इसका मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है। तो ये जो है दोस्तों जो हमारे गोले जो लेंस थे उनसे अपवर्तन के पश्चात जो है प्रतिबिंब किस किस टाइप का बनता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे रखने की आप कोशिश बिल्कुल ना करें, इसको ध्यान रखना है कैसे बनता है। 3-4 स्थितियां है, अनंत पे रख रखा तो F2 पे बनेगा, F1 पे रख रखा तो अनंत पे चला जाएगा, 2F1 पे रख रखा तो 2F2 पे बनेगा,
सेम चीज है, या तो बराबर होगा और इनके बीच में है तो इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में रख रखा था इन दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ रटने वाली कोई चीज है नहीं। तो ये आपका आज छोटा टॉपिक था, कल हम फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों जो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आपको जो वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन दबा दें, जिससे क्या हो आपके अगले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको हाथों हाथ जो है दोस्तों यहाँ अवेलेबल हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।